मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ग्रामर. सो वेलकम अगेन टू आवर ग्रामर वीडियो क्लास. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट यूनिट नंबर 25, यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड. दीज थ्री आर वर्ब्स. ओके, सो यू रिमेंबर वन थिंग, हैज एंड हैव, दीज टू वर्ब्स says that what people have or possess. Okay, what people has or people, sorry, have or possess. तो आप इतना जान लो बच्चों, has and have ये verb होते हैं और ये क्या बताते हैं कि लोगों के पास क्या है और लोग क्या अपने पास रखे हैं. ये दो वर्ब यही बोलते हैं. तीसरा वर्ब भी वही बोलता है, पर तीसरा वर्ब भी सेम चीज बोलता है. ओके, तीसरा वर्ब भी सेम चीज बोलता है, पर ये पुराने बीती गई बातों के बारे में बताता है, उसको बोलते हैं पास्ट टाइम. देखो, मैं कॉल एब्सेंट थी, Yesterday I was absent. Okay, मतलब मैं कल absent थी, तो ये past time के बारे में बताता है. मैं आज absent हूँ, मैं आज नहीं आई हूँ, ये present time. So ये दोनों क्या बताता है? Present time. और had हमेशा past time के बारे में बताता है. दोनों क्या बताते हैं कि ये बताते हैं present time में क्या लोगों के पास है या फिर हेड क्या बताता है कि लोगों के पास क्या था. ओके, पीपल हैव और हैड और पोजेस. ओके, इतना जान लो, हैज है प्रेजेंट टाइम को बताते हैं, लोगों के पास क्या, जैसे आई हैव ए पेन, मतलब मेरे पास पेन है, आई हैड ए पेन, मेरे पास पेन था. ओके, देखो हम लोग कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा. देखो हैज कैसे यूज होता है. हैज, ही हैज ए न्यू बैग, हरी हैज ए न्यू पर्स, हरी के पास न्यू पर्स है, उसके पास न्यू बैग है. दिस बॉय हैज ए न्यू बैग, ये बॉय के पास एक न्यू बैग है. वुमेन के पास एक न्यू पर्स है. शिता हैज न्यू बैग, ही हैज ए न्यू पर्स. समझ में आ गया, हैज मतलब अभी क्या है उन लोगों के पास. याद रखो, हैज हमेशा सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज होता है. देखो ये सिंगुलर प्रोनाउन है, ये सिंगुलर नाउन है, अकेले है सब. दिस बॉय, ये सिंगुलर नाउन है. दैट सिंगुलर नाउन है. दैट वुमन, सीता, ही, सब सिंगुलर नाउन है, प्रोनाउन है. देखो ये प्रोनाउन, ये प्रोनाउन, ओके, ये सब नाउन. ओके, और सिर्फ प्रेजेंट टाइम में ही यूज होते हैं. ओके, जस्ट सेम थिंग हैव, ये हमेशा यूज होता है प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज होता है. प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज होते हैं. और ये यू एंड आई के साथ हमेशा यूज होते हैं. गॉट इट? यू एंड आई के साथ हमेशा यूज होते हैं. प्लूरल नाउन प्रोनाउन प्लस यू एंड आई. देखो, I have a new pen, you have a new pen, we have new pens. ये देखो सारे plural pronouns और I, you, they have new pens, plural, plural pronoun है. These boys have new pens, those women have new pens. तो देखिए बच्चों, सारे plural noun और pronoun के साथ ही have use होता है और ये हमेशा has के तरह प्रेजेंट टाइम में ही यूज होता है. गॉट इट? हैज और हैव दोनों प्रेजेंट टाइम में, पर हैज सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन
और है प्लूरल नाउन प्रोनाउन एंड यू एंड आई के पास यूज होता है कि लोगों के पास क्या है. ओके नेक्स्ट हैड. आई हैड ए हॉलीडे यस्टरडे, यू हैड ए हॉलीडे ऑन संडे. ये कहाँ पे यूज होता है? बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज होता है. सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन प्रोनाउन आई एंड यू सबके साथ यूज होता है. पर पास्ट टाइम के लिए यूज होता है, मतलब पहले क्या था. देखो आई हैड ए हॉलीडे यस्टरडे, गया कल मेरा एक छुट्टी था. यू हैड ए हॉलीडे ऑन संडे, आपका संडे एक छुट्टी था. वी हैड बुक्स इन आवर बैग्स, हमारे बैग में बुक्स थे. यू हैड बुक्स इन योर बैग्स, आप लोगों का आपके बैग में बुक्स था. दे हैड बुक्स इन देयर बैग्स, उन लोगों का उनके बैग में बुक्स था. देखो सब में था, मतलब पास्ट टाइम में, अभी नहीं पहले था. The girl had a new book in her bag. The boys had new books in their bags. Got it, students? Simply याद रखो has, have and had. ये तीनों बताते हैं कि what people have or had or possess. Okay. Has, have present time को बताते हैं और had past time को बताता है. Look. Okay. Past time को बताता है. Has, have में है सिंगुलर नाउन प्रोनाउन के पास यूज होता है, हैव प्लूरल नाउन प्रोनाउन के पास यूज होता है और यू एंड आई, और हैव सबके पास, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो चाहे आई हो यू हो, सबके साथ. लेकिन पास्ट टाइम की बात बोला जाए तो यूज होता है. गॉट इट स्टूडेंट्स? सो नाउ कम लेट्स डू द एक्सरसाइज. ओके लुक पुट has, have or had in these sentences. We dash a holiday yesterday. Yesterday मतलब गया कल हमारा holiday था. Past के बारे में बात करें तो had. She dashed a lot of mangoes in her basket. She has. उसके पास है. Next. The room dash two doors and four windows. The room has two doors and four windows. Some monkeys have long tails. क्योंकि some monkeys plural है. Got it? The tree dash yellow leaves. The tree has. क्योंकि tree singular है. Hari and Bali dash no books with them yesterday. Hari and Bali had no books with them yesterday. Next, she dashed blue eyes and golden hair. She, what will be here? Has blue eyes and golden hair. Okay, because she is a singular pronoun. Next, we dash breakfast at night every morning. We, क्योंकि ये रोज की बात बोला जा रहा है तो क्या होगा? वी हैव 30 डेज डैश सितंबर. 30 डेज हैज सितंबर. नेक्स्ट हाउ मेनी लेग्स डैश ए काउ. हाउ मेनी लेग्स डू यू डैश ए पेन. डू यू के पास हैव लगता है, हैव ए पेन. We dash great fun today. We had great fun today. आज हम लोगों ने बहुत मस्ती किया था. Okay? Shaila dash to visit the dentist. They have a test tomorrow. So we have completed unit number 25 and now you just complete your textbook and then practice it in your CW book. Till then, bye-bye.